अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम ने बजाई खतरे की घंटी। क्या फिर टल जाएगी फिल्मों की रिलीज अगले साल तक? यहाँ हम सभी फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन मूवीज की बात हो रही है जो भारी भरकम बजट में बनाई गई है, जिसमें सर्कस, पृथ्वीराज, लाल सिंह चड्ढा, ट्रिपल आर, मैदान और सूर्यवंशी जैसी फिल्में शामिल हैं। दरअसल ये बॉलीवुड की वो फिल्में हैं जिन पर आंख बंद करके या फिर किसी नुकसान की वजह से डबल पैसा खर्च हुआ है। अब जहां बेल बॉटम की रिलीज से उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग दिशा पर लेकर जाएगी, लेकिन अफसोस ऐसा हो पाया नहीं। फिल्म ने चार दिनों में 13.45 करोड़ रुपए की कमाई की। ट्रेड के लोग मान रहे हैं कि बेल बॉटम के बाद फिल्म रिलीज की लाइन लगने की उम्मीद थी, मगर अब आधा दर्जन से ज्यादा बड़ी फिल्मों की रिलीज 2022 तक टल सकती है। हालांकि बेल बॉटम के बाद अब 27 अगस्त को अमिताभ बच्चन की चेहरे और 10 सितंबर को कंगना रनौत की थलाई भी रिलीज होने जा रही है। लेकिन जब अक्षय का जादू नहीं चल पाया तो इन दोनों फिल्मों से भी कोई खास उम्मीद नहीं है। वो बात अलग है कि अक्षय की बेल बॉटम से सबको उम्मीद काफी थी, फिर वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, मल्टीप्लेक्स के ऑनर हो या फिर फिल्म क्रिटिक्स हो, लेकिन फिल्म उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। ट्रेड एनालिस्ट और प्रोड्यूसर गिरीश जौहर का कहना है कि नॉर्मल दिनों में इस जॉनर की अक्षय कुमार की फिल्में पहले ही दिन में 15 से 20 करोड़ रुपए की कमाई कर लेती है। फिल्म गुड न्यूज ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 17.56 करोड़ की कमाई की। बेल बॉटम को लेकर उम्मीद से कम नतीजे आए हैं, जबकि फिल्म बहुत अच्छी है। 30% रेवेन्यू देने वाले महाराष्ट्र में थिएटर बंद है, इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। बेल बॉटम के लिए ये रविवार अच्छा रहा। हालांकि फिल्में लगातार आती रहेंगी तो ही दर्शक भी सिनेमा घर में आएंगे। बेल बॉटम का हश्र देखकर बड़े फिल्मों की रिलीज के बारे में अब और संदेह हो गया है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है महाराष्ट्र में सिनेमा घर ना खुलने का, जहां से बेल बॉटम को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में जब तक हर जगह इंक्लूडिंग महाराष्ट्र के सिनेमा घर पूरी तरीके से खुल नहीं जाते और लोग सिनेमा घरों में वापस जाना शुरू नहीं करते, तब तक कोई बड़ी फिल्म अब रिलीज होने का खतरा नहीं उठाएगी। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।